मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवी, दोपहर के कार्यक्रम में मैंने शुरू में एक साखी उठाई थी, आपा तजे हरि भजे नक्षिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधुमता है साथ। साखी कही तो थी लेकिन उस पर कुछ कहा नहीं था, और बातों पर समय बीत गया था। अभी थोड़ी देर इस साखी पर निवेदन है। जीवन में सार पाने के लिए, जीवन को सार रूप बनाने के लिए सद्गुरु कबीर इस साखी में हमें पांच बातें बताते हैं। पहली बात है आपा का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना। दूसरी बात है हरि का भजन करना। तीसरी बात है नख से शिखा तक के जितने विकार हैं उनका त्याग करना। चौथी बात है प्राणी मात्र से निर्वैर रहना। और पांचवी बात है साधु मत, शील स्वभाव, त्याग भाव ग्रहण करना। हम इन पांचों बातों पर थोड़ा थोड़ा विचार करें। पहली बात है अहंकार का त्याग। जहां आपा तहां आपदा। जहां जीवन में अहंकार आया वहां दुख आना निश्चित ही है। अहंकारी आदमी कभी दुखों से खाली नहीं हो सकता। सारे दुखों का कारण यदि है तो अहंकार। जीवन में शांति नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, इसके मूल में भी है अहंकार। और अहंकार होता किसका है? जो अपना नहीं होता उसी का अहंकार होता है। जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो हमसे कभी बिछुड़ नहीं सकता, उसका अहंकार नहीं होगा। हर आदमी का अपना जो आपा है, निज स्वरूप है, निज तत्व है, आत्मसत्ता है, वह कभी उससे बिछुड़ नहीं सकता। लेकिन कभी किसी को यह अहंकार होता है कि मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं, निर्मल हूं, अखंड हूं, अविनाशी हूं, केवल स्वरूप हूं। इस भाव में जीने लग जाए आदमी, इसका अहंकार हो जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। लेकिन इस भाव में आदमी कहां जीवित रहता है? सदैव देह भाव में आदमी जीता है और देह का ही अहंकार होता है। जब देह का अहंकार होता है तो देह संबंधी प्राणी पदार्थों का अहंकार होता है। क्या ये देह, ये शरीर जो दिखाई पड़ रहा है हमारा है? हमारा है तो छूटता क्यों है? हमारे दादा बाबा का शरीर आज कहां रह गया? हम लोग अपने दादा बाबा के शरीर को खोजने जाएं और सोचें कि हमारे दादा बाबा का शरीर अमुक जगह गाड़ा गया था तो क्या मिलेगा? पूरी धरती को खोद डालें तो हमें अपने पूर्वजों के शरीर का हड्डी, शरीर की हड्डी तो दूर, हड्डी का चूर भी नहीं मिलेगा। हमारे लिए भी वो एक दिन आना ही पक्का है। इस बात को हम कहां समझते हैं? सबका होना है। यहां जितने लोग बैठे हैं सभी लोगों ने अनेक लोगों की शवयात्रा देखी होगी। अब देखी क्या होगी? शवयात्रा में शामिल हुए होंगे, अनेकों की चिता को जलते देखे होंगे, कब्र में मिट्टी डाले होंगे। लेकिन किसी की चिता जलती देखकर क्या मन में ये ख्याल आया कि एक दिन मेरी भी चिता ऐसी जलेगी? किसी के कब्र को खोदते देखकर या उसमें मिट्टी डालते देखकर कभी ये हम लोगों को ये ख्याल आया
कि एक दिन मेरे लिए भी ऐसे ही कब्र खोदी जाएगी और लोग मिट्टी से मेरे शरीर को दफना देंगे? कहां ये ख्याल आया? हम अपने देह के अंत अवस्था को देख नहीं पाते हैं, इसीलिए अहंकार होता है। अंतिम स्थिति को यदि देख लिया जाए, जो होना पक्का है, तो अहंकार नहीं होगा। दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन मौत निश्चित है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, वो पढ़ लिख करके विद्वान बनेगा या नहीं बनेगा, गारंटी नहीं दी जा सकती। उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, गारंटी नहीं दी जा सकती। वो धनवान बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन ये गारंटी जरूर दी जा सकती, उसकी मौत होगी। सबकी मौत होगी। कोई दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है आज तक जिसका जन्म तो हुआ है और मौत न हुई हो। कोई नहीं हुआ है। तो हमारे शरीर की मौत तो होगी ही। उस दिन को देखने का अहंकार किसका होगा? लेकिन हम उस दिन का ख्याल नहीं करना चाहते, इसीलिए अहंकार होता है। और अहंकार जहां आया, दुख शुरू हुआ। पहले अपनी देह का अहंकार, फिर देह संबंधी प्राणी पदार्थ, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, परिवार, जाति वर्ण, कुल, मठ, आश्रम, गुरुवाई, महंती, चेला, शिष्य, इनका अहंकार। और ये निश्चित है, जैसे गृहस्थों की गृहस्थी छूटेगी, ऐसे साधुओं की महंती छूटेगी, मठ छूटेगा। ऐसा नहीं है खाली गृहस्थ लोग अपनी अपनी गृहस्थी छोड़ करके जाएंगे और साधु बाबा अपने मठ को लेकर के जाएंगे, ये नहीं होने वाला है। सबका सब छूटना है। और जिस दिन आंख बंद हुई, फिर पूरी दुनिया से सदैव के लिए संबंध कट जाएगा। जिनके लिए हम पाप करते हैं, एक दिन उनसे संबंध सदा कटेगा, लेकिन पाप कर्म के संस्कार साथ जाएगा और फल उसका हमें भोगना पड़ेगा। एक चुटकुला याद आता है। तीन मित्र बैठे बात कर रहे थे। बात करते करते एक ने कहा कि आज मैं भले बहुत गरीबी में जीवन जी रहा हूं, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। हमारे पूर्वज बड़े धनवान थे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेरे दादा जब मरे थे, तब 1 करोड़ की संपत्ति छोड़ करके मरे थे। दूसरे ने कहा, बस अरे भले आज मैं भी गरीबी में जीवन जी रहा हूं, लेकिन मालूम होना चाहिए आपको कि मेरे दादा मरे थे तो 10 करोड़ संपत्ति छोड़कर मरे थे। तीसरा चुप। तो उन दोनों ने कहा, तुम तो बताओ तुम्हारे दादा क्या छोड़ करके मरे थे? उसने कहा, भाई क्या बताऊं, बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, उन दोनों जोर से, नहीं बताओ तो आखिर तुम्हारे दादा क्या छोड़ करके मरे थे? तो तीसरे ने कहा, भाई मेरे दादा मरे थे पूरी दुनिया छोड़ करके मरे थे। अब हम लोग मरेंगे तब क्या छोड़ करके मरेंगे? पूरी दुनिया की आधी दुनिया, पूरी दुनिया छोड़ करके मरेंगे। उसी का अहंकार होता है। तो मैंने कहा था कि जो हमारा नहीं है उसका ही अहंकार होता है। और अहंकार किसी भी दिशा में बढ़ने के लिए सबसे बड़ा रोड़ा और बैरियर है। अहंकारी आदमी सीख नहीं सकता, कुछ पा नहीं सकता है। सेवा से, विनम्रता से ही कुछ सीखा जा सकता है। प्यास लगी हो, हम किसी के पास जाएं और कहें भैया पानी पिला दो, वो घड़ा लेकर के आया और अपना हाथ हम घड़े के ऊपर कर दिए, प्यास बुझेगी? नहीं बुझेगी। पानी पीना है तो अपने हाथ को घड़ा से नीचे रखना होगा, तब पानी मिलेगा और प्यास बुझेगी।
किसी से सीखना है, कुछ पाना है, कुछ बनना है तो झुकना पड़ेगा। और अहंकारी आदमी झुकना चाहता नहीं है, इसलिए सीख नहीं पाता, कुछ बन नहीं पाता। साहब कहते हैं, शांति चाहते हो, जीवन में सार्थक पाना चाहते हो तो अहंकार का त्याग करो, व्यवहार करो, काम करो, सेवा करो, लेकिन कुछ अपना न मानो। क्या लेकर के पैदा हुए थे? कुछ लेकर पैदा नहीं हुए थे, खाली हाथ नंगे बदन पैदा हुए थे और एक दिन खाली हाथ यहां से चला जाना होगा। साहब ने कहा है, डंडवक डोरिया तोड़ी लड़ाई जो कोटिन धन होई हो, तुम्हारे पास चाहे करोड़ों संपत्ति क्यों ना हो, तुम्हारे करधन की जो करधनी है, जो कमर की करधनी है, उसको भी लोग तोड़ डालेंगे, कुछ रहने नहीं देंगे, तो क्या जाता है? और रहने भी दे तो जाएगा क्या? वो तो शरीर साथ यही रह जाएगा, जीव तो उड़ गया। अभी शरीर को चाहे जो करो, इसलिए पहली बात है आपा का त्याग, अहंकार का त्याग, विनम्र बने। सद्गुरु कबीर ने कहा है, सबते लघुता भली, लघुता ते सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शिष नवे सब को। विनम्रता सबसे अच्छी चीज है, विनम्रता से ही प्रभुता प्राप्त होती है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, साहब की साखी है। और लघुता से प्रभुता मिलती है, अब प्रभुता से, अहंकार से, गर्व से प्रभु कल्याण मोह शांत दूर हो जाता है। जब द्वितीया को चंद्रमा शीश नमे सबको, द्वितीया का चांद कितना झुका हुआ होता है, विनम्र होता है, लेकिन सब नमस्कार करते हैं, क्योंकि द्वितीया के बाद रोज रोज उसकी कला बढ़ती जाती है, प्रकाश बढ़ता जाता है, एक दिन पूरा प्रकाशवान हो जाता है। इसलिए पहली बात है अहंकार का त्याग, दूसरी बात हरि का भजन करें। अब प्रश्न होता है कि हरि कौन और उसका भजन कैसे करें? हरि यदि हमसे अलग है, ऊपर आकाश में है, उससे मुलाकात नहीं हुई है तो है, तो उसका भजन करें कैसे? भजन तो उसका होगा ना जिससे मुलाकात हुई हो, जिसको देखे हैं, तब भजन होगा। और जिससे आज तक मुलाकात ही नहीं हुई है, जिसे देखा ही नहीं है, केवल सुना ही सुना है, उसका भजन कैसे करें? लोग ये भी कहते हैं भगवान की याद करो, तो भगवान की याद कैसे करें? याद किसकी होती है? जिसे हमने देखा है, जिसका हमने प्रयोग किया है, उपभोग किया है, उसकी याद होती है। जैसे यहां सत्संग हो रहा है, आप लोग सत्संग में बैठे हैं, तो कल परसों या दो दिन चार दिन छह दिन के बाद आप लोगों को याद होगी कि डेगाना में सत्संग हुआ था, अमुक अमुक लोग आए थे, देखे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, बैठे हैं, सुन रहे हैं, तो याद होगी। अब जो लोग यहां सत्संग में नहीं आए हैं वो लोग याद नहीं करेंगे, वो लोग केवल कल्पना करेंगे। आप कभी बंबई नहीं गए हैं, सुने हैं बंबई के बारे में, तो यहां बैठ करके बंबई की कल्पना करोगे कि ऐसी होगी बंबई, वैसी होगी बंबई, ऐसे होगी वैसे होगी, दुनिया भर कल्पना करोगे। लेकिन बंबई चले जाओ, वहां घूम आओ, तब उसकी याद होगी कि मैं अमुक जगह गया था तो ये देखा, अमुक जगह गया था तो ये देखा, तब याद होगी। जब देख लेते हैं तो बाद में याद होती है, नहीं देखे हैं तब अनुमान होता है, कल्पना होती है। ईश्वर की याद करो भाई, ईश्वर को याद तो तब होगी ना जब ईश्वर को देखा गया हो, देखे ही नहीं तो याद कैसे करें? कल्पना होगी, बस अनुमान होगा।
अब वो हमसे अलग है तो भजन कैसे करें, भजन हो नहीं सकता है। तो साहब कहते हैं हरि भजे, हरि का भजन, हरि कौन, हरि का अर्थ क्या है। हरि का अर्थ है हरति हरियः, जो हरण करे वो हरि, जो हमारे अज्ञान को, हमारे मन की पीड़ा को, दुख को हरण कर दे, वे संत और गुरु ही प्रत्यक्ष हरि है। हमें हमारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान प्रकाश में ले जाए, दुख को दूर करके हमें सुख स्वरूप बना दे, वे गुरु हरि हैं। उनका भजन अर्थात उनकी सेवा। भजन का पहला अर्थ होता है सेवा करना। आप शब्दकोश निकाल लो और देखो तो भजन का, भज धातु से भजन शब्द बना है, और भज धातु का पहला अर्थ होता है सेवा करना, फिर स्मरण करना, सिमरन करना, विभाजन करना, अलग अलग करना, छांटना, चुनना, बहुत सारे अर्थ होते हैं भजन के। हरि के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ होता है। तो यहां हरि भजे का अर्थ है, भजन का अर्थ है सेवा करना। सेवा किसकी? अध्यात्म मार्ग में हो या कहीं भी हो, पहले गुरु की सेवा। माता पिता की सेवा, माता पिता भी बहुत उपकार है। गृहस्थी में, व्यवहारिक जीवन में जितना माता पिता का उपकार हमारे जीवन पर है, उतना किसी का उपकार नहीं है। पिता से भी ज्यादा उपकार माँ का है, क्योंकि माँ ने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, पैदा किया, अपने शरीर का रस दूध पिलाकर हमें पाला पोसा। बचपन में जब आदमी का बच्चा पैदा होता है, कितना असहाय होता है, उस असहाय अवस्था में हर प्रकार से माँ ने हमारी रक्षा की। टट्टी पेशाब धोए अपने हाथ से, बहुत प्यार से सुलाया सीने पर, कितना उपकार है माँ का। उस माँ की सेवा, फिर पिता की सेवा, फिर घर में और लोग हैं उनकी सेवा। तो व्यवहारिक जीवन में देखें, पारिवारिक स्थिति से देखें, तो माता पिता हरि है, उनकी सेवा करें। हरि जीवन देने वाला है, तो माता पिता ने तो जीवन दिया। माँ सेवा न करती बचपन में हमारी, तो हम जीवित थोड़े रहते। हरि जीवन देने वाले, तो माँ तो जीवन देने वाली है, इससे बड़ी भगवती और कहाँ मिलेगी। तो पहले गृहस्थी में माता पिता की सेवा। लेकिन आज इस विज्ञान युग में माता पिता का तिरस्कार बढ़ता जा रहा है। जगह जगह वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं। जिस समय वृद्धों को आदर की, सम्मान की आवश्यकता होती है, वे चाहते हैं कि हम अपने बाल बच्चों के बीच कुछ पल गुजारें, कुछ पल रहें, कोई हमारे साथ बैठ करके प्यार से हंसे बोले, उस समय उनको उन्हीं का पैदा किया बेटा, जिसे उन्हें लिखाने पढ़ाने में सारी जिंदगी लगा दी, छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में। वो ये नहीं सोचते कि आज तो मैं अपने पिता को ले जा रहा हूं वृद्धाश्रम में, 25 साल बाद मेरा बेटा मुझे ले जाएगा। वृद्धाश्रम खुलना ये आदमी की हृदयहीनता की पहचान है। जितना जितना आदमी पढ़ता गया और कहा गया कि पढ़ाई के साथ साथ सभ्यता बढ़ती गई, जितनी पढ़ाई लिखाई बढ़ती गई, सभ्यता बढ़ती गई, उतना उतना आदमी के हृदय निर्णय करके पत्थर बनता चला जा रहा है, पिघलता नहीं किसी के दर्द से। और जो जिस आदमी का दिल किसी के दर्द से पसीजता ना हो, उसे दिल कैसे कहें, उसे तो पत्थर ही कहा जाएगा। और माता पिता के प्रति अविज्ञा, उनका तिरस्कार, उनका अपमान, तो सुखी कैसे होगा आदमी। तो गृहस्थी में माता पिता हरि हैं, उन्होंने जीवन दिया है, हमें पाला पोसा है, बहुत उपकार है। अध्यात्म मार्ग में गुरु हरि हैं, गुरु जीवन देने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। माता पिता ने तो पैदा किया, लेकिन जीवन जीने का असली तरीका, जीवन क्यों मिला है इसका बोध,
और उस रास्ते पर चलने का ज्ञान गुरु देते हैं, इसलिए गुरु हरि है। गुरु की सेवा से ही ज्ञान मिलेगा। अब ऐसे यदि हरि का अर्थ हम ले लें, हरि का अर्थ कहते हैं परमात्मा को, तो परमात्मा कहते हैं परमात्मा निर्गुण भी है, परमात्मा सगुण भी है, चलो मान लेते हैं सगुण परमात्मा और निर्गुण परमात्मा साक्षी है। सगुण की करी सेवा, निर्गुण का करी ज्ञान। सगुण की सेवा करो और निर्गुण का ज्ञान करो, दो परमात्मा है, सगुण परमात्मा निर्गुण परमात्मा। सगुण जिसमें ज्ञान हो, जो हंसता हो बोलता हो खाता हो पीता हो, और प्रणाम करो तो आशीर्वाद देता हो, सेवा करो प्रसन्न होता हो, वो सगुण परमात्मा। तो देखो यहाँ सगुण परमात्मा बैठे हैं, प्राणी मात्र सगुण परमात्मा है, उनकी सेवा करे। जान बुझ कर कभी किसी को तकलीफ न दे, मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार सेवा, और मनुष्य कृत जो प्राणी है उन पर दया और करुणा, ये हरि का भजन करना होगा। ये सगुण परमात्मा है। निर्गुण परमात्मा जो 17 स्तंभ से ऊपर है, वो निर्गुण परमात्मा कौन? वो आपका आत्मा, आपका स्वरूप, आपका होना, उसका चिंतन करें, ज्ञान करें और चिंतन करें। तो बाहर परमात्मा प्राणी ही, भीतर परमात्मा अपना स्वरूप है। साहब ने कहा है, खुले नयन हाथी हाथी पहचानो सुंदर रूप निहारो। मैं तो खुली आंखों से जिधर देखता हूँ सुंदर रूप देखता हूँ परमात्मा का। वो परमात्मा कौन? ये प्राणी मात्र परमात्मा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है, हम प्राणियों को परमात्मा नहीं मानते। हमारा परमात्मा या तो मंदिरों में बैठा हुआ है या आकाश में बैठा हुआ है। यदि आदमी को परमात्मा मान ले तो घुस किससे लेंगे? आदमी को परमात्मा मान लेंगे तो मिलावटी सामान कहां बेचेंगे? आदमी को परमात्मा मान ले तो झूठ किससे बोलेंगे? और आदमी को परमात्मा मान ले तो छल कपट लड़ाई झगड़ा मुकदमाबाजी किससे करेंगे? इसलिए जितना बन सकता है आदमी को ठगो लूटो, उनसे झगड़ा करो, कलह करो, मुकदमाबाजी करो, मिलावट सामान बेचो, और जितना बने उस आदमी को चूसो, और फिर आकाश में बैठे परमात्मा जिसे देखा नहीं है उसको भजन करो उसकी। ये नकली परमात्मा काम नहीं देगा, ये नकली पूजा काम नहीं देगी। असली परमात्मा तो प्राणी है, ऊपर आप मानते हैं, आपका मन है मानो, उसके लिए मना ही नहीं। लेकिन प्राणियों के साथ बैर बनाकर, प्राणियों से दुर्व्यवहार करके, मनुष्यों से गलत व्यवहार करके, लड़कर झगड़ करके कोई पूजा काम नहीं आएगी। नर सेवा नारायण सेवा कही जा सकती है, और नर के साथ दुर्व्यवहार तो नारायण सेवा कहते होगी, नारायण प्रसन्न कैसे होगा? लोग ये कहते हैं कि भगवान पिता है और जितने इंसान हैं सब उसके पुत्र हैं, जितने प्राणी हैं सब भगवान की संतान है। चलो मान लेते हैं, अच्छी बात है। तो ये बताओ, मैं आपके घर जाऊं और आपसे खूब हंस हंस करके बात करूं, प्रेम से बात करूं, और आपका बेटा आए तो 4 थप्पड़ लगाऊं उससे और मिट्टी और गड्ढे में ढकेल दूं, आप मुझसे खुश हो गए? आपसे तो मैं मीठी मीठी बात कर रहा हूँ, प्रेम से बात कर रहा हूँ, और आपका लड़का है तो उसे 4 थप्पड़ लगा लूं, उसके बाद पैसा है उसे लूट लूं, कभी खुश नहीं होंगे। भले मैं आपसे मीठी मीठी बात न करूं, लेकिन आपका लड़का आए, आपके घर के लोग आए तो उसकी सेवा करूं, हंस करके बात करूं, और जो कुछ बन सके उसे कुछ दूं, तो आप खुश होंगे। ऐसे ही यदि परमात्मा पिता है और आदमी जितने प्राणी संतान है, तो परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और प्राणियों से बैर कर रहे हो, तो परमात्मा खुद कहते होगा फिर? यदि इसलिए आकाश में परमात्मा बैठा है, यदि उसको भी खुश करने का तरीका यही है, प्राणियों के साथ सदव्यवहार, तभी तो खुश होगा। ये असली हरि भजन होगा।
यदि जितने हमारे दृष्टि में आते हैं नर नारी अन्य प्राणी, उनको हम भगवान मानकर उनकी सेवा करें तो हमारा मन अपने आप प्रसन्न रहेगा, जीवन कोमल होता चला जाएगा। अब जब मन कोमल होगा, अंतःकरण कोमल होगा, तब उसमें भक्ति के बीज लहलहाएंगे। इसलिए साहब कहते हैं हरि भजे, हरि का भजन करो, हरि गुरु की सेवा और आत्मस्मरण, ये हरि का भजन है। लेकिन किसी ने कहा साहब मैं तो हरि का भजन करता हूं, तो साहब ने कहा कैसे करते हो, उसकी पहचान क्या है? तो कहता है मुझे मालूम नहीं, आप भी बता दो। तो साहब ने कहा कि हरि भजन की कसौटी क्या है? कसौटी साहब बताते हैं, नख सिख तजे विकार, नख से सिखा तक, शरीर के जितने भी दोष हैं, जीवन के जितने दोष हैं, विकार हैं, उन सब का त्याग। जीवन में जो विकार हैं, दोष हैं, उनको महात्माओं ने तीन भागों में बांटा है, शरीर के दोष, मन के दोष और वाणी के दोष। चोरी हत्या व्यभिचार ये शरीर के दोष माने गए, गाली निंदा झूठ ये वाणी के दोष माने गए हैं, ईर्ष्या क्रोध मान छल ये मन के दोष माने गए हैं। और इन दस दोषों में सारे के सारे विकार आ जाते हैं। चोरी न करें, हिंसा न करें, व्यभिचार न करें, किसी को गाली न दें, किसी से झूठ न बोलें और किसी की निंदा न करें, इसमें वाणी के दोष आ गए। किसी के सुख को देखकर, किसी की उन्नति को देखकर, बढ़ोतरी को देखकर के ईर्ष्या न करें, प्रतिकूल व्यवहार पाकर क्रोध न करें। जो कुछ हमें मिला है, धन दौलत प्राणी पदार्थ रुपये पैसे संपत्ति अधिकार शासन स्वामित्व, उनके लिए अहंकार न करें और किसी के साथ कपट का व्यवहार न करें। तो ये मन के दोषों का त्याग हो गया। अर्थ है हरि सेवा की पहचान है, इसकी चरितार्थता है जीवन को निर्मल बनाने में। अब यही असली पूजा है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, रागाद देतम हृदयम वाग दुष्टा नृताद भी हिंसादि रहिता कायस एतद ईश्वर पूजनम। पूछा किसी गया कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, बताएं कि कैसे करूं? तो उत्तर देने वाला संकोच में पड़ गया कि कौन सा बताऊं इसे ईश्वर की पूजा, वो ऐसी पूजा हो जिसे कोई इंकार न कर सके, सबके लिए लागू हो, किसी देश में रहने वाला हो, किसी मतपंथ का मानने वाला हो। सोचा यदि मैं ये कहता हूं कि राम राम कहना ईश्वर की पूजा है, तो जो गैर हिंदू है, मुसलमान ईसाई यहूदी, वो तो राम राम कहेंगे नहीं। हिंदुओं में सब राम राम नहीं कहेंगे, आर्य समाजी राम राम नहीं कहेंगे, वो तो ओम कहते हैं। यहां तक कृष्ण के भक्त, जो कट्टर कृष्ण भक्त होते हैं, वे राम राम नहीं कहते, और कट्टर शिव के भक्त होते हैं, वे राम राम भी नहीं कहते, कृष्ण कृष्ण भी नहीं कहते। आप अयोध्या में चले जाओ तो वहां चारों तरफ राम 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 या सीताराम 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 मिलेगा आपको। लेकिन आप मथुरा वृंदावन में आ जाओ तब राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम मिलेगा, सीताराम गायब हो गया वहां से, वहां राधे श्याम राधे श्याम होगा। और दक्षिण भारत में चले जाओ तब न सीताराम न राधे श्याम, वहां शिव जी की पूजा है, शिव की महिमा है, या शिव के जो परिवार है कार्तिकेय गणेश पार्वती, इनकी महिमा है। तो हिंदू में भी सब राम राम कहां कहते हैं, तो राम राम कहना ईश्वर की पूजा तो नहीं हुई। यदि कहूं कि अल्लाह अकबर कहना या बुद्धम शरणम गच्छामि या और कुछ कहना, ये तो वो भी एक परपाटी की बात होगी। कहो कि मंदिर में जाकर के मूर्ति पूजा करना, ये भी एकांगी पूजा होगी, क्योंकि हिंदू सब मूर्ति पूजा नहीं करते, मुसलमान तो करते नहीं है। बहुत सोचा बहुत सोचा, तब उन्होंने ये श्लोक कहा,
रागाद्वेतन हृदय वाग दुष्टा नृताधि हिंसाद्रहिता कायच एतदीश्वर पूजनम। राग द्वेष से हृदय रहित हो, गाली निंदा से वाणी रहित हो और चोरी हत्यादि से शरीर रहित हो, एतद ईश्वर पूजनम। अर्थात मन वाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर की पूजा है। और ये ऐसी पूजा है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कहेगा नहीं जी आदमी को तो अपने जीवन को गंदा बनाना चाहिए। कौन कहेगा? गाली बको, झूठ बोलो, निंदा करो, चोरी करो, हत्या करो, व्यभिचार करो, ये कौन कहेगा? एक चोर भी अपने बेटा से नहीं कहेगा बेटा चोरी किया करो। एक व्यभिचारी अपने बेटा से नहीं कहेगा कि बेटा तुम सुबह व्यभिचार में बड़ा आनंद आता है, तुम भी व्यभिचार करो, ऐसा थोड़े कहेगा। सब ये कहेंगे कि जीवन को निर्मल बना करके रखो, बना पाए या न बना पाए वो बात अलग है, लेकिन स्वीकार सब करेंगे कि जीवन को पवित्र रखना चाहिए। ये जीवन की पवित्रता ही ईश्वर की असली पूजा है। अब जब हमारा जीवन निर्मल हो गया, मन निर्मल हुआ, वाणी निर्मल हुई, शरीर निर्मल हुआ, पूरा जीवन निर्मल हो गया, तब आत्मसाक्षात्कार होता है। कितना हम आत्मा परमात्मा की बात हाँकते रहे, कहते रहे जबान से, जीवन निर्मल नहीं हुआ, जीवन में पवित्रता नहीं आई, तो ये हमारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान कहने मात्र से कुछ नहीं होने वाला है। जब जीवन निर्मल हो गया पूरी तरह से, तब आत्मसाक्षात्कार होता है। योग दर्शन में एक सूत्र आता है, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा था, योग शास्त्र जिसे कभी कहते हैं, छह शास्त्रों में एक शास्त्र है योग दर्शन, उसमें एक सूत्र आता है, सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम। जैसे पुरुष चेतन बिल्कुल शुद्ध है, निर्मल है, असंग है, ऐसे ही जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो गया, पुरुष निर्मल हो गया, तब आत्म साक्षात्कार होता है और कैवल्य अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो नक्षिक तजे विकार, नक्ष से शिखा तक के सारे विकारों का त्याग, तीसरी बात यही है। चौथी बात है, सब जीवन से निर्भय रहे, प्राणी मात्र से निर्भय, अपनी जाति वालों से नहीं, अपने गांव वालों से ही नहीं, अपने समाज वालों से नहीं, अपने संप्रदाय वालों से नहीं, प्राणी मात्र से निर्भय। सब घट मेरा साईया सुनी सेज न कोई, साहब कहते सभी घट में मेरा साई बस रहा है, सभी घट में तो चेतन बस रहा है, किसे चल पहुंचाते हो? घाव का ही पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो, साहब कहते हैं चोट किसे पहुंचाओगे? जहां देखता हूं मेरा ही प्राण प्यारा है। अपने प्राण प्यारा को कोई तकलीफ देता है? गोस्वामी जी भी कहते हैं, सिया राम मैं सब घट सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा संसार तो सिया राम मैं है। यदि हम सारे संसार सिया राम मान ले और जान ले तो कोई दुर्व्यवहार होगा किसी के साथ। तो प्राणी मात्र से निर्भय, सारा संसार अपना स्वरूप है, सजाती है। सहृदयम स्वमनस मम विद्वेषम कृणोमि वह, अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जात निवाग्नयः। ये वेद का मंत्र है। वहां कहा गया है कि आदमी को एक आदमी से और दूसरों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। वत्सम जात निवाग्नयः, जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्यार करती है। गाय को बच्चा होता है, कितना प्यार करती है गाय। उस समय कोई अपरिचित आदमी आ जाए तो गाय छूने नहीं देती है। गाय का जो मालिक है, घर वाला जो उसे गाय पहचानती, वो आ जाए तो गाय कुछ नहीं करेगी। लेकिन अपरिचित आदमी आ जाए तब सिंहनी बन जाती है गाय उस समय। और ये जिस समय गाय बच्चा दी है उस समय कोई शेर भी आ जाए ना, तो शेर चाहे गाय मरे चाहे जिए उसे लड़ जाएगी एकदम अपने बच्चे की रक्षा के लिए, इतना प्यार करती है गाय। ऋषि कहते हैं जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्यार करती है,
ऐसे ही तुम एक दूसरे से प्यार करो। इतना प्यार कहाँ कर पाता है आदमी, इसका चौथाई और दसवां हिस्सा भी प्यार करे तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। तो सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र से निर्वैर, किसी के लिए भी अपने मन में बैर भाव ना हो। किसी बैर भाव आया तो हमारी शांति खत्म। और ये भी निश्चित याद रखने लायक है, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता है, घृणा से घृणा शांत नहीं होती है, किंतु प्रेम से ही बैर शांत होता है, प्रेम से ही घृणा शांत होती है। कहीं हमने बैर किया उतनी मात्रा में हमारे कल्याण में बाधा पड़ेगी ही पड़ेगी, हमारी शांति उतनी घटेगी ही घटेगी। सेवा ना कर सके कोई बात नहीं, बैर भाव तो ना पाले मन में, लेकिन आदमी तो इतना गांठ बांध लेता है कि हद है, जब तक जीता है तब तक मुकदमा लड़ता है, शत्रुता रखता है। और कितने लोग तो कहते हैं जीवन भर लड़ाई किया फिर भी पार नहीं पाया, तो कितने लोग कहते हैं बेटा अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूं, ख्याल रखना अमुक मेरा शत्रु है, तो मैं तो बदला नहीं ले सका, बेटा तुम जरूर बदला ले लेना। कितना आदमी अपने अंतःकरण को कलुषित बना लिया है, कैसे शांति मिलेगी, कहां जाएंगे ऐसे लोग। अरे कम से कम जीते जी बैर भाव को दूर नहीं कर सके तो मरते मरते तो उसे क्षमा करके जाओ, उस समय तो अपने भावना को शुद्ध बना लो, लेकिन उस समय भी भयंकर गांठ बना लिए। सदगुरु कहते हैं सब जीवन से निर्वैर रहे, प्राणी मात्र से निर्वैर रहो, किसी के लिए रंच मात्र भी अपने मन में बैर भाव न रखो। जो जितने तकलीफ दिया हमें, जितने हमारे रुपये पैसे छीन भी लिया, घर से निकाल भी दिया, उससे भी बैर भाव न रखो। हाँ जो व्यवहार में है पंचायत करो, लोगों से मिलो जुलो, जो जो कर सकते हो करो, जहां न्याय की बात है वहां न्याय करो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन बैर भाव रख करके क्या करोगे, उससे तो अपना मन जलता रहेगा। सब जीवन से निर्वैर रहे। पांचवी बात है साधुमता है साध, साधुमत शील स्वभाव, शीलवान बनो, कोमल। साधु स्वभाव विचार पूर्वक ग्रहण करना, त्याग पूर्वक जीवन जीना। साधुमत के अनेक अर्थ होते हैं, त्याग पूर्वक जीवन जिए, खाएं त्याग पूर्वक, पहने त्याग पूर्वक, कोई काम करें त्याग पूर्वक, व्यवहार करें त्याग पूर्वक। त्याग पूर्वक खाएंगे तो गलत चीज नहीं खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। भोजन करो तो ये समझे कि जैसे रोग लगने पर दवाई खाई जाती है, दवाई कड़वी भी होती है मीठी भी होती है, कड़वी दवा से घृणा नहीं होती, मीठी दवा के प्रति आसक्ति नहीं होती। डॉक्टर ने जितना कह दिया है कि इतनी गोली खानी है, इतना चम्मच खाना है, उतना ही दवाई खा जाती है। अब कोई दवा मीठी है, डॉक्टर ने कहा कि एक चम्मच पिया करो सुबह शाम, और हम कहें कि ये तो बड़ी मीठी दवा है, लाना पांच चम्मच पी लेते हैं, क्या होगा, नुकसान करेगी दवा, फायदा करेगी, नुकसान कर जाएगा। मीठी मीठी दवा हो, जितना कहा डॉक्टर ने उतना ही हम उस दवा को खाते हैं। ऐसे भोजन करने बैठो, कितनी बढ़िया से बढ़िया चीज बनी हो उतना ही खाओ जितनी की जरूरत है, और कहीं स्वाद चक्कर में पड़ गए, चटनी आ गई, पापड़ आ गया, दही आ गया, मिठाई आ गई, हलवा आ गया, तब तो लान थोड़ा सा और पता नहीं और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, थोड़ा खा लिया गया। जिंदगी भर खाते आए हैं, ये विश्वास रखो जब तक जीवन रहेगा तब तक खाने को मिलेगा। तो त्याग पूर्वक खाएं, विचार पूर्वक खाएंगे तो गलत चीज नहीं खाएंगे, त्याग पूर्वक भी खाएं और विचार पूर्वक खाएं। विचार पूर्वक त्याग पूर्वक खाएंगे तो ज्यादा नहीं खाएंगे, विचार पूर्वक खाएंगे तो गलत चीज नहीं खाएंगे। यदि विचार पूर्वक खाएंगे तो तंबाकू खाएंगे कभी, यदि विचार पूर्वक खाएंगे तंबाकू नहीं खाएंगे, तंबाकू जीभ में जाएगा ही नहीं। जो लोग तंबाकू खाते हैं वो लोग तंबाकू हाथ में ले ले और तंबाकू से पूछे कि ये तंबाकू तुम्हें मैं 5 साल 10 साल 20 साल से खाते आ रहा हूं, ये तो बता कि तेरे खाने से मुझे क्या फायदा होगा,
अब क्या फायदा हुआ है? यदि तंबाकू उत्तर दे सके, तंबाकू उत्तर देगा, भाई फायदा तो उधर कुछ नहीं जानता, मेरे खाने से तुझे रोग ही लगेगा, तंबाकू यही उत्तर देगा। बीड़ी पियोगे यदि विचार पूर्वक पियोगे तो कहां विचारता है आदमी। तो साधु मत का अर्थ है त्याग भाव पूर्वक जीवन जीना, विचार पूर्वक जीवन जीना और हर जगह से सार को ग्रहण करना। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ाए, सार सार को ग्रहण करे, जो असार है वो सबका त्याग कर दे। अपने मत, पराये के मत, अपनी बात, दूसरे की बात, कहीं भी असार दिखाई पड़े उसका त्याग और सार का ग्रहण। जब ऐसा होगा तब जीवन में सार मिलेगा। सदगुरु कबीर हमें बताते हैं, जीवन में सार तत्व तो पाना चाहते हो, अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो पांच बातों का आचरण करें। पहली बात अहंकार का त्याग, दूसरी बात हरि का भजन, तीसरी बात है नख से शिखा तक के विकारों का त्याग, चौथी बात प्राणी मात्र से निर्वैरत, और पांचवी बात साधु मत, त्याग भाव शील स्वभाव विचार पूर्वक ग्रहण। तो सदगुरु कबीर इस साखी में हमें पांच बातें बताते हैं, पांचों बातें बिल्कुल पंचामृत हैं। कथा होती है तो पंचामृत बढ़ता है ना, पंचामृत बनाते हैं, बहुत श्रद्धा पूर्वक लोग पंचामृत ग्रहण करते हैं, ऐसे ही ये रहने के पंचामृत हैं। इन पंचामृतों को हम ग्रहण कर लें तो जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा, पूरा कल्याण हो जाएगा। इस साखी को फिर से याद करें, आपा तजे हरि भजे, नक्षिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है साथ। बस यहीं पर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।